नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह मैकेनिक। आज हम बताऊंगा कि अर्जुन 605 DI ट्रैक्टर में जब क्लच लूज हो जाए तो कैसे इसे टाइट करते हैं। जैसे यहां पे देख सकते हैं कि ये क्लच लीवर है, इस पर हम ऐसे क्लच नापते हैं तो ये पूरा नीचे आके यहां पे लगता है, यानी क्लच यहां पे काम करता है। तो हमें करना है कि यहां तक आए ये डंडा तो हमारा क्लच प्लेट काम करने लगे। तो इस तरीके से हम इसको सेटिंग करेंगे। तो इसको सेटिंग करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लच लीवर यहाँ से जॉइंट है, ये है क्लच लीवर जो डंडा लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस नट को खोलकर इस डंडे को हम थोड़ा और पीछे करेंगे, तब जाके ये क्लच पूरी तरह काम करेगा और यहाँ पॉडल जो है वो यहाँ तक आते ये क्लच काम कर जाएगा। अभी ये क्लच बिल्कुल इस फाउंडेशन के नीचे आ जाता है तो प्रेस करने में बहुत ही दिक्कत होता है, इसलिए हमें क्लच को थोड़ा और टाइट करना होगा, तब जाके ये काम करेगा। तो चलिए, इसको टाइट करने के लिए हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे पिन है, इस पिन को हम निकालेंगे और इस गुल्ले को हम निकाल कर इसको अलग कर लेंगे, इस लीवर से हम अलग कर लेंगे, तब जाके ये घूमेगा। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं। ये हमने खोल दिया नट, चौक नट। अब इसको हम इस रड को हम लंबा करेंगे थोड़ा, तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो खुलेगा, यानी खोलना है इसे। खोलकर हम जितना हमारा ऊपर चाहिए उस हिसाब से हम खोल लेंगे। तो देखिए हम कितना खोलते हैं इसको। चलिए इतना टाइट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। इसी पे इतना हमने इसको टाइट कर दिया, यानी हम खोलेंगे तो ये टाइट होगा। मैं बताता हूँ कैसे ये टाइट होगा। देखिए देखिए ये छेक कहाँ तक आ गया, इतना टाइट हो गया। चलिए इसको हम अब इसमें लगाकर चेक करते हैं। यहाँ पे हमने ये लगा दिया है बिल्कुल लीवर, देखिए कितना बड़ा लीवर हमने कर दिया चूड़ी खोलकर इसका। अब इसका हम प्रेस करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो हमें इस पे चढ़ना होगा, पैर से दबाना होगा, हाथ से दबेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं पैर रखता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट हो जाता है। यहाँ से देखिए कितना ऊपर आ गया है, ठीक है, ये फाउंडेशन से कितना। अब आराम से इस पे पैर रख के हम आराम से इसे दाब सकते हैं और इस तरह हमारा क्लच प्लेट टाइट हो चुका है। तो चलिए, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।